अमित शाह मुर्दाबाद 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 अमित शाह मुर्दाबाद 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 ड्राइवर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ जी, जो ये आपने हड़ताल की है, आज ये हड़ताल क्यों की है? ये कानून के खिलाफ करी है, ये 7 साल की सजा, 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की कैद, तो इसके खिलाफ मर्ज कानूनी कार्रवाई की है। तो इसके लिए हम सारे ड्राइवर भाई एकता जिंदाबाद है और इसके विरोध में कर रहे हैं, ठीक है ना? तो क्या कानून है जी? वो कानून ये है, ये 5 साल की, अगर ड्राइवर मौके से भाग जाता है तो उसको 10 साल की तो सज़ा और 7 लाख रुपये जुर्माना, अगर उसको हॉस्पिटल लेके जाएगा तो 5 साल की कैद। तो फिर लाइसेंस का और बीमे का क्या मतलब है? तो हम इसके कानून के खिलाफ में इकट्ठे हुए हैं, सब ड्राइवर भाइयों का समर्थन किया है। जो सरकार ने काला कानून बनाया है कि अगर किसी ड्राइवर भाई से एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर को 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना है, जो ड्राइवर आदमी है 500-700 रुपए दिहाड़ी पे काम करता है, दिहाड़ी है जी अभी एक, वो कहाँ से देगा 7 लाख रुपए जुर्माना? और जेल में चला गया तो बच्चे कौन पालेगा? उसके बाद अगर उसको हॉस्पिटल में ले गया तो मर गया, अगर वहाँ से भाग गया तो मर गया, अगर खड़ा रहा तो पब्लिक मार देगी। तो हमारा ये है कि जो ड्राइवर भाइयों ने ये कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया है, हम इसके साथ खड़े हैं। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, सारे हमारी जितने भी ऑटो यूनियन है, सारे ऑटो बंद रहेगी, ऑटो का चक्का जाम रहेगा। और हमारी सरकार से यही विनती है, अगर हाथ जोड़ के मानेंगे, कानून वापस लेवेंगे तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका भी है, जो किसान आंदोलन में कराया था न्यूबर आड़े भी करना पड़ेगा।